पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया था। अब विपक्ष ने स्तंभ की बनावट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि संविधान का तो तोड़ा ही गया। विपक्ष के आरोपों का जवाब सरकार की तरफ से भी आया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि नए संसद में लगे अशोक स्तंभ का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए विपक्षी नेताओं को प्रतीक में बदलाव दिख रहा है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थापित हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से देश की आन बान शान के प्रतीक का उद्घाटन किया। चार शेरों की ये वो कीर्ति है जो देश के पराक्रम को चारों तरफ बिखेरती है। अशोक स्तंभ देश के यश का यशोगान है। पुराना अशोक स्तंभ ऐसा है जबकि नया ऐसा। नए अशोक स्तंभ में चारों शेर दहाड़ते नजर आ रहे हैं। बस यही बात विपक्ष के गले में अटक गई है। विपक्ष मोदी पर हमला कर रहा है। एक के बाद एक कई विपक्षी नेताओं के ट्वीट आए, बयान आए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर यह पिक्चर पोस्ट की और लिखा, सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर शेरों के चरित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदलना भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक बेशर्म अपमान है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, मूल कृति के चेहरे पर सौम्यता का भाव और अमृत काल में बनी मूल कृति के नकल के चेहरे पर इंसान पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने की आदमखोर प्रवृत्ति का भाव मौजूद है। कांग्रेस ने यहां तक मांग की कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग पर लगे नेशनल एम्बलम को बदला जाए। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया, अशोक पिलर के जो लायंस को अगर आप बनाएंगे और वहां पर लगाएंगे तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप उसका आइडेंटिकल कॉपी बनाते, उस कॉपी को लेकर के उसी के आधार पर बनाते। किसी ने कहा कि आप सत्यमेव जयते भी गायब हो गया है। अब लोग को यह लगता होगा कि छोटी सी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि ये दर्शाता है कि किस तरह से आरएसएस और बीजेपी को इस देश के जो है आजादी की लड़ाई हो, देश अशोक जी ये देश के इतिहास के बारे में हो, कोई मतलब नहीं है। ये हर चीज को इतना हल्का लेते हैं। मोदी जी और बीजेपी आरएसएस ने देश को अपमानित किया है और अभी भी समय इसको सुधारने का। मोदी जी को यदि देश के भावना से अगर वो जानकारी रखते हैं तो उसको जो तुरंत इसके जो इसको बदलना चाहिए। जिन लोगों ने संविधान को अपने पैरों तले कुचला, जिन लोगों ने संवैधानिक परंपराओं का मजाक उड़ाया, आज वो उस एम्बलम से डरते हैं जो भारत का प्रतीक है, जो भारत का गौरव है। जो लोग मां काली का अपमान करते हैं वो राष्ट्रीय एम्बलम का भी अपमान करें, यह आपके लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। विरोधी दलों ने जो सवाल उठाए उस पर शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सफाई दी। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सवाल उठाने वाले नासमझ हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मूल सारनाथ प्रतीक 1.6 मीटर ऊंचा है जबकि नई संसद के शीर्ष पर स्थित प्रतीक बहुत बड़ा है जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। यदि मूल प्रतीक की रिप्लिका नई संसद पर रखी जाती तो इस संसद के बाहर नाम मात्र को ही नजर आता। विशेषज्ञों को यह भी पता होना चाहिए था कि सारनाथ में रखी गई मूल प्रतिमा जमीन पर है जबकि नया प्रतीक जमीन से 33 मीटर की ऊंचाई पर है। दो संरचनाओं की तुलना करते समय कोण, ऊंचाई और पैमाने के प्रभाव की सराहना करने की आवश्यकता है। यदि कोई नीचे से सारनाथ के प्रतीक को देखता है तो वह उतना ही शांत या क्रोधित लगेगा जितना की चर्चा की जा रही है। यदि सारनाथ के चिन्ह को बढ़ाया जाए या संसद के नए भवन के प्रतीक को उस आकार में छोटा कर दिया जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। इंडिया टीवी ने नेशनल म्यूजियम के पूर्व डायरेक्टर जनरल बीआर मणि से बात की। बीआर मणि ने अशोक की लाठ की ओरिजिनल फोटो और पार्लियामेंट के ऊपर लगे एम्बलम की फोटो साथ साथ रखकर समझाया कि अंतर क्यों दिख रहा है। ये है कि ये 7-8 फीट ही हाइट का है और जो अभी बना है प्रतिकृति जो बनी है वो लगभग 21 फीट ऊंची है। तो
हमारे पर्सपेक्टिव का फर्क हो सकता है इसको देखने में, और जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये डिस्टॉर्टेड लग रहा है, लेकिन ऐसा डिस्टॉर्शन इसमें नहीं है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यह चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक की लाट से लिया गया है। अशोक की ओरिजिनल लाट वाराणसी के पास सारनाथ में है। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि सारनाथ और दिल्ली में लगे प्रतीक चिन्हों में फर्क इसलिए आ गया है क्योंकि दोनों के साइज में अंतर है, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया और खूब हल्ला मचा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।